दोस्तों जो आप अपने मोबाइल के अंदर कीबोर्ड यूज करते हैं कैसा होगा दोस्तों यदि जो आपका मोबाइल का कीबोर्ड है इसमें लाइट लग जाए। ओके दोस्तों आप चौंक जाएंगे देखकर, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक होने वाली है आज की इस वीडियो की। जो आपके मोबाइल का कीबोर्ड है इसमें आप लाइट सेट कर सकते हो दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक सेटिंग को एक्टिवेट कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। कोई भी मोबाइल हो आपके पास, किसी भी कंपनी का हो, नया हो पुराना हो, आप अपने मोबाइल के कीपैड में लाइट लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे लगेगी ये लाइट, इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, हो सके तो वीडियो को लाइक करना। अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं अपने कीपैड में लाइट लगाना तो अब वीडियो को ध्यान से देखना होगा। जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना होगा। ओके दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सेटिंग एक्टिवेट कर लेनी है अपने मोबाइल के अंदर, और उसके बाद आपके पास चाहे कोई सा भी मोबाइल हो, कितना ही पुराना हो कितना ही नया हो, सभी के लिए जो है ये अवेलेबल है ट्रिक। ओके, वैसे भी दोस्तों आपको हमेशा पता ही है जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो लगभग सभी मोबाइल में जो है काम करती है, तो ये ट्रिक भी सभी मोबाइल के लिए जो है काम करेगी। ओके, आप अपने कीपैड को लाइट लगाकर चमका सकते हो और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लोगों को या फिर खुद को भी दिखा सकते हो। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक में ऊपर की साइड होता है डिस्क्रिप्शन, वहां पर जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इनेबल कीबोर्ड करना है और कुछ भी नहीं करना है, एक्टिवेट कर देना है कीबोर्ड को। ओके, तो जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहां पर इनेबल कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहां पर आएगा गोट इट पर क्लिक करेंगे, और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, सबसे नीचे वाले को एक्टिवेट जो है कर देना है। इसके बाद यहां पर ओके करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज इस वाले कीबोर्ड की सिलेक्ट करनी है जो इस कीबोर्ड का नाम है। ओके, जैसे यह कीबोर्ड ओपन हो जाता है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको बहुत सारी थीम मिल जाती है, थीम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अलग अलग थीम है, लेकिन ट्रेंडिंग चल रही है अभी एक थीम। ओके, तो ट्रेंडिंग वाले थीम पर क्लिक करेंगे और यहां पर ट्रेंडिंग वाले थीम में से कोई भी एक थीम को आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहां से आप अलग अलग थीम सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ओके, थीम सिलेक्ट नहीं करने तो स्टिकर स्टोर आपको यहां पर मिल जाता है, स्टिकर स्टोर आप सेट कर सकते हो। ओके, यहां पर आप अपने फोटो को, खुद के फोटो को भी जो है सेट कर सकते हो कीपैड के अंदर। ओके दोस्तों, तो यहां पर अलग अलग चीजों की सेटिंग है, लेकिन इनसे आपका क्या लेना। ओके, अब आपका कीपैड एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। अब यदि दोस्तों आप देखेंगे, ओके यहां पर चलिए मैं जो है कीपैड को अपने ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो जो मेरा कीपैड है कितना जबरदस्त ये लग रहा है, रंग बिरंगा कलर देखे दोस्तों कैसे चमका रहे हैं। ओके, आपको जो भी टाइप करना है यहां से टाइप कर सकते हो लिखकर। लैंग्वेज चेंज करनी है, इस गोले पर क्लिक करेंगे तो यहां से जो है आपकी दोस्तों लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ओके, सिलेक्ट कर लेना पहले लैंग्वेज, बोलकर जो है टाइप करना है तो यहां पर आपको स्पीकर मिल जाता है, बोलकर भी आप जो है टाइप कर सकते हो। ओके, इसके बाद दोस्तों यहां पर यदि आप क्लिक करेंगे, यहां पर सेटिंग में जाकर आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज को, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मतलब सेम टू सेम ऐसे रहेगा जैसे आपका कीपैड रहता है, बस कलरफुल हो जाएगा ये, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है। और आप इसकी अलग अलग थीम भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाली अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरी कर सकते हो, दूसरी नहीं तो तीसरी कर सकते हो। ओके, यहां पर आपको बहुत सारी थीम मिल जाती है, जो भी आप सेट करना चाहेंगे इनको आप सेट करेंगे तो आपका कीपैड ऐसा ही हो जाएगा। ओके, यदि आप ये वाले कीपैड सेट करेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से आपका कीपैड देखने को आपको मिलेगा। ओके, जैसा कि दोस्तों ये एक थीम है लैंडस्केप, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, गेट थीम पर क्लिक कर देंगे और ये थीम अप्लाई हो चुकी है। ओके, अब चलिए दोस्तों मैं जो है अपने मैसेज को खोलता हूँ, टाइपिंग करता हूँ। अब आप देख सकते हो तो हमारा कीपैड है जो उसके कलर है कुछ इस तरीके से हो चुके हैं, यानी कि इधर कुछ और कलर है, यहाँ पर कुछ और कलर आ रहा है, यहाँ पर कुछ और कलर आ रहा है। ओके, तो कलर चेंज हो जाएंगे, जो इसका बैकग्राउंड है उसके कलर भी चेंज कर सकते हो, अभी ब्लैक है उसमें भी आप कलर लगा सकते हो, वो अलग अलग तरीके से आप सेटिंग फिर बाद में कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो है ना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए यूज कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कुछ ना सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को प्रेस लाइक करना। तो ये था इस वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।